शिक्षक साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकेंगे। इसके पहले एक विशेष बात आपको मैं कहना चाहूंगा, यहां पर इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताया जाएगा वो इस प्रक्रिया के टेक्निकल पक्ष पर डिपेंडेंट होगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार से करना है। दूसरी जो प्रमुख बात है कि ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य आपको कब से करना है, अर्थात आप कब आवेदन करेंगे, इसके लिए जो है विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त होगा, उसके बाद ही कीजिएगा। यहाँ पर हम यह भी बताएंगे कि आप जिस स्कूल में पद स्थापना चाह रहे हैं क्या वास्तव में वहां रिक्त पद है या नहीं है, इसकी भी जानकारी आपको पहले प्राप्त करना है, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0, जिसमें आपका काफी विश्वास है और इस विश्वास को हम कायम रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए कि इस चैनल में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो सरल और स्पष्ट शब्दों में प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है और वहां पर टाइप करना है शिक्षा.cg.nic.in। ये टाइप करने के बाद आप जो है इस पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर देख सकते हैं नीचे जाएंगे तो शिक्षक स्थानांतरण लिखा हुआ है। इसे जब क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड को फिलअप करना है। यहां पर आपका यूजर आईडी क्या होगा, आपको ज्ञात ही होगा कि जब आप cgschool.in पर लॉगिन करते हैं तो जिस आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हैं उसी आईडी और पासवर्ड को यहां पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद यहां पर लॉगिन को क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन को क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपका पूरा प्रोफाइल दिखाई देगा, आपका फोटो रहेगा, आपका विवरण रहेगा। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में यदि आप मोबाइल पर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर जो है ये लेफ्ट कॉर्नर दिखाई नहीं देगा, एक लाइन दिखाई देगा, उसको टच करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना प्रोफाइल देखें, इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आता है कि आपका नाम, पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, माता का नाम, सारी जानकारी इसमें आता है। आप उसके बाद चेक कर लीजिए। उसके बाद चेक करने के बाद यदि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप क्या करेंगे, उसको सुधरवा लीजिए। सुधरवाने के लिए आप क्या करेंगे, DDO से संपर्क करेंगे और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो आप जो है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है स्थानांतरण का आवेदन करें, इस आवेदन को फिलअप करना है, लेकिन उसके पहले यहाँ से आप रिपोर्ट को क्लिक करेंगे। जब आप रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल में रिक्त पद का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको जब क्लिक करेंगे तो आप जिस स्कूल में पद स्थापना चाह रहे हैं स्थानांतरण के पश्चात वहां पे आप देख लीजिए कि वहां पर वास्तव में रिक्त पद है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्कूल के प्रकार का चयन करेंगे। यहाँ पर प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी आ रहा है। मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर स्कूल का चयन करेंगे, उसके बाद जिला का चयन करेंगे। जैसे कि आप रायपुर जिला में देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर पोस्ट वैकेंट है तो आप रायपुर का चयन कर लेंगे। उसके बाद आप रायपुर जिला के किसी भी स्कूल में जाना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे आप देखे को क्लिक करेंगे। रायपुर जिले में जितने भी स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, उन सब का लिस्ट आ जाएगा और वहां पर कितने कितने पद वीकेंड है वो सारे आपको दिखाई देंगे। यदि आप जिला के बाद विकासखंड पर्टिकुलर को चूज कर रहे हैं, जैसे कि हम तिल्दा को कर लिए, तो यहाँ पर जब सभी को करेंगे देखे को तो तिल्दा विकासखंड में जितने भी स्कूल है वहां पर कितने पोस्ट जो है वीकेंड है वो दिखाई देगा। अब मान लीजिए विकासखंड के स्तर पर न देखकर पर्टिकुलर किसी संकुल का देखना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं अर्चना संकुल है, अर्चना संकुल को क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर देखे को क्लिक करें तो अर्चना संकुल में जितने भी स्कूल है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलम बना उसको समझते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हेड मास्टर सेंसर्ड एंड असिस्टेंट टीचर लिखा हुआ है, अर्थात उस स्कूल में कितने प्रधान पाठक और असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट स्वीकृत है वो दिखाता है। ये अभी अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है, ये अपडेट होने वाला है, यहाँ पर टेक्निकल पक्ष पर बात हो रही है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आप कितने पोस्ट जो है यहाँ पर वीकेंड है, ये आपको लास्ट कॉर्नर में दिखाई देगा। देख सकते हैं लास्ट जो कॉलम है वीकेंड नंबर ऑफ टीचर, आप देख लीजिए यहाँ पर जीरो पोस्ट है, यहाँ पर जीरो पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं इस संकुल पर नहीं दिखाई दे रहा है ना भाई। तो आपको करना क्या है, देख लीजिएगा जहां पर आप चाहते हैं उस स्कूल में है कि नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपने अवलोकन कर लिए कि जिस स्कूल में आप पद स्थापना चाह रहे हैं वहां पर
पोस्ट वीकेंड है कि नहीं है, या जिस संकुल में चाह रहे हैं वहां पर है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां से आप जो है स्थानांतरण का आवेदन करने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं, यहां पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, पद, यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम और संवर्ग दिखाई देता है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल नंबर को विशेष रूप से चेक करना है कि जो मोबाइल नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है वो आपका है कि नहीं है। यदि है तो अभी चालू है कि नहीं है, हो सकता है किसी कारण से वो बंद हो गया हो या खो गया हो, तो आप क्या करेंगे उसको अपडेट करवा लीजिए। अदरवाइज क्या होगा, यदि अपडेट नहीं करेंगे तो जो ओटीपी आएगा वो इसी में आएगा, तो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि नंबर वही है, कोई चेंजेस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका नंबर बदल गया है तो उसको आप डीडीओ के माध्यम से बदलवा सकते हैं। इसका देखेंगे, जब सब जानकारी यहाँ पर सही होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ऊपर दी गई जानकारी सही है, हाँ है तो हाँ को क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं को क्लिक कर, नहीं करते इसका मतलब क्या होगा, आपको इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। हाँ कर दिए जब सब जानकारी सही है तब। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदन करें, तो आवेदन करें के लिए देख सकते हैं इसको संबंधित जानकारी सर्वर में उपलब्ध डाटा के अनुसार है, इसे समयानुसार परिवर्तन संभावित है। अभी हमने कहा इसमें अपडेट होना बचा है, वो चीज इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पर निवेदन का कारण कि आप किस कारण से जो है स्थानांतरण चाह रहे हैं, पति पत्नी बेस, आपसी ट्रांसफर या अन्य कोई भी कारण है, उसको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखिए। लिखने के लिए क्या करेंगे, जिस प्रकार से व्हाट्सएप में आप हिंदी टाइपिंग करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। कंप्यूटर में कर रहे हैं तो यूनिकोड का प्रयोग करेंगे, कुर्ती देव या अन्य फंड का नहीं करेंगे, यूनिकोड का करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो सीधे आप जो है हिंदी टाइपिंग को यूज कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष कोड की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यहाँ पर जिस स्कूल में स्थानांतरण चाह रहे हैं उसका चयन करना है, जैसे कि हम रायपुर में पोस्टेड है, रायपुर जिला में ही चाह रहे हैं, जैसे कि दूसरे ब्लॉक में, तो जैसे रायपुर कर दिए, उसके बाद ब्लॉक कर दिए हम यहाँ पर अभनपुर कर दिए, उसके बाद संकुल का चयन कर दिए, यहाँ पर देख सकते हैं अभनपुर संकुल भी है, वहां पे हम किसी स्कूल का चयन कर लिए, ठीक है। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, आपने फॉर्म भर दिए, यहाँ पर जानकारी भर लिए, यहाँ पर पूरी जानकारी आप फिलअप कर दिए। अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है कि ड्राफ्ट सबमिट करना है, इसको समझिए, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट सबमिट करने का अर्थ क्या होता है, जैसे आप कोरा कागज में आवेदन बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, लेकिन उसको जमा नहीं किए रहते, अपने पास रखे रहते हैं, हम आवेदन बना के रखे रहते हैं और समय आने पर जमा करते हैं, तो उसी प्रकार ऑनलाइन कार्य में होता है कि जब आप पूरा फॉर्म भर दिए हैं तो इसको अभी जमा नहीं कर रहे, केवल सेव रख रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, तो आप जो है ड्राफ्ट सबमिट करें ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि आप पूरे फाइनल कर लिए हैं कि जो जानकारी यहाँ पर फिलअप की है बिल्कुल सही है और इसी आधार पर आपको ट्रांसफर चाहिए, तो आप जो है सीधे सीधे फाइनल सबमिट करें को क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर किसी को भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है जानकारी के लिए हमने वीडियो बनाया था। जब आप फाइनल सबमिट कर लेंगे, उसके कुछ दिन के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर स्थानांतरण की आवेदन की जो स्थिति है उसको चेक करना है कि आपने जो आवेदन किया है उसकी जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, कहाँ तक हुआ है। इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरण आवेदन की स्थिति को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ लिखा है, क्योंकि अभी तक हमने आवेदन नहीं किया है। जब आप आवेदन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्रमांक दिखाई देगा, आवेदन क्रमांक दिखाई देगा, पद का नाम, स्थानांतरण के लिए चयनित जिला, स्थानांतरण के लिए स्कूल, आवेदन दिनांक अर्थात किस दिनांक को आपने आवेदन किया ये आएगा, उसका शिक्षक, आवेदन की स्थिति अर्थात आपके आवेदन की अभी प्रोग्रेस क्या है, ये यहाँ पर पूरा ए टू जेड दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमने टेक्निकल पक्ष की जानकारी आपके बीच रखा। अब बात करते हैं कि आवेदन कब से करें, तो यहाँ पर स्पष्ट बता दें कि इसके लिए विभाग से दिशा निर्देश जल्द ही आएगा, उसका वेट कीजिएगा, किसी प्रकार से हड़बड़ी मत कीजिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, बाकी आप और सलाह लेकर के अपने अनुसार से काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल टेक्निकल पक्ष पर जानकारी रखा, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए सुझाव अवश्य दीजिएगा कि यहाँ पर इस प्रकार से और करना था, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। और यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। नमस्कार।